सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग SSC ने वैकेंसी निकाली है। इसके तहत देश भर में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर समेत 307 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इनमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 12 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न टेस्ट के आधार पर उम्मीदवार का सिलेक्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई भर्ती के तहत हिंदी अनुवाद, जूनियर अनुवादक और सीनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा के जरिए 27 विभागों और मंत्रालयों में पोस्टिंग की जाएगी। आपको बता दें कि इनमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में सबसे ज्यादा 102 पद भरे जाएंगे, जबकि ऑल इंडियन रेडियो में 56 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बता दें कि आयोग द्वारा कुल 307 पदों में से 157 पद अनारक्षित हैं, जबकि SC के लिए 48, ST के लिए 14, OBC के लिए 72 और EWUS के लिए 26 पद आरक्षित किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 21 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए 13 पद और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 263 पद रखे गए हैं। इसके साथ ही सीनियर ट्रांसलेटर का 1 पद और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 9 पद निर्धारित किए गए हैं। देश भर में निकली इन भर्तियों के लिए सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 34,000 से लेकर 1,42,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई वैकेंसी में उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इनमें सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को मेडिकल टेस्ट के बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग में निकली भर्ती के लिए उम्मीदवार को 100 रुपए फीस देनी होगी। SSC, ST, PWUT, भूतपूर्व सैनिक, महिला वर्ग को फीस में छूट दी जाएगी। तो कैसी लगी सच कहूं द्वारा दी गई ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके।